नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। राजकीय इंटर कॉलेज GIC प्रवक्ता परीक्षा पाठ्यक्रम हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो भी योजनाएं हैं। ठीक है, तो टोटल हम लोग जानते हैं 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से विषय के 80 प्रश्न होंगे और GF के यहाँ पर आपके 40 प्रश्न होंगे, और कुल जो संख्या होगी, जो कुल नंबर होंगे, वो कुल 300 अंकों का होगा। तो GF में आपका सामान्य विज्ञान आएगा, इतिहास आएगा, आंदोलन आएगा, भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था आएगा, संस्कृति आएगी, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आधुनिकतम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, यानी कि यहाँ पर आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछेगा, प्रारंभिक गणित, यानी कि यहाँ पर आपको मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी मिलेगा। तो स्पेशली हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है वैकल्पिक विषय और वो है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो खंड में डिवाइड है, एक है खंड आ और एक है खंड बा। तो ये जो आपका खंड आ है वो थोड़ा सा जो है यूँ कहे कि थॉट एंड थियरी है, तो यही जो है आपके लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, और यूँ कहें कि जो आपको क्लास लेनी है उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको खंड ए की पढ़ने वाली है, क्योंकि खंड बी क्या है वो पूरा आपका संविधान है, तो नॉर्मली हर कोई बच्चा जो है संविधान पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा सिलेबस। तो पहले में जो है राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र की हम लोग अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, और राजनीति शास्त्र का राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, इन सब में अंतर क्या है ये देखेंगे। राजनीति शास्त्र का जो और सामाजिक विज्ञान है, जैसे कि विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, मनोविज्ञान हो गया, नीति शास्त्र हो गया, तो राजनीति शास्त्र का इन सारे सब्जेक्ट के साथ में संबंध क्या है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और नागरिक शास्त्र हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या था, राजनीति शास्त्र, यहाँ हो गया नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नागरिकता। तो नागरिकता में हम लोग पहले देखेंगे नागरिकता का अर्थ क्या है, उसका अर्जन कैसे होता है, खोने की विधियाँ कैसी हैं, आदर्श नागरिकता के लक्षण क्या होंगे, और मार्ग में बाधाएं क्या होती हैं, और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जो नागरिकों के दायित्व होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य की अवधारणा, अवधारणा तत्व और उद्भव के सिद्धांत देखेंगे, सामाजिक समझौता, विकासवादी और मार्क्सवादी, ये तीन सिद्धांत हम लोगों को पढ़ने हैं। राज्य के कार्यों के सिद्धांत में हम लोग देखें तो उदारवादी, समाजवादी और लोक कल्याणकारी सिद्धांत, ये तीन पढ़ने। संप्रभुता में हम लोग देखेंगे तो शक्ति, सत्ता और प्रभाव, कानून हमें पढ़ना है, स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, उसके बाद संविधान का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, और वर्गीकरण जो है यहाँ पर करना है। ठीक है, तो सरकार की अवधारणा में हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक शासन प्रणालियाँ, ठीक है, संघात्मक, एकात्मक और संसदीय और अध्यक्षात्मक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंपेरेटिवली हम लोग अध्ययन करेंगे। सरकार के अंग में हम लोग जानते हैं व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, तीन होते हैं। अब इन तीनों का संगठन कैसे होता है, कार्य क्या होते हैं, महत्व तो क्या है, और इनके बीच में जो संबंध है वो हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के ये एक पॉलिटी टाइप से हो जाएगा। लोकतंत्र पढ़ना है, लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, सिद्धांत क्या है, दलीय प्रणाली हमें देखना है, दबाव समूह देखना है और सिद्धांत देखनी है, निर्वाचन प्रणालियाँ देख ली हैं और मताधिकार क्या होता है, राष्ट्र की अवधारणा देखनी है, राष्ट्रीयता क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीयता क्या होती है और गुट निरपेक्षता क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पढ़ना है। तो राजनीतिक व्यवस्था के जो विघटनकारी तत्व हैं, जैसे कि जाति हो गया, भाषा हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, तो इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। राजनीति विज्ञान में जो अभिनव प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, स्वतंत्रता तंत्रवाद हो गया, समतावाद हो गया, गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो हो गई, राज्य बाजार हो गया, बहस हो गया, पंचायती राज हो गया, और नौ सामाजिक आंदोलन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं केवल इसमें, और वो हैं मनु, कौटिल्य, गांधी और अम्बेडकर, कुल चार लोग हैं, वो भी केवल भारतीय ही हैं। ठीक है, तो इसमें पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं वो नहीं हैं, उनसे यहाँ पर आप लोगों को छुट्टी मिली हुई है। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि भाई जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट ए ही आप लोगों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट ए ही सबसे ज़्यादा जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है।
तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसको जो है कैसे हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या भाई कि एक दिन में क्या करेंगे हम लोग, दो दो तीन तीन वीडियो जो है देखेंगे, ठीक है। दो दो तीन तीन लेक्चर जो है एक एक दिन में फटाफट पढ़ता जाएगा। जैसे एक दिन में आपका ये दो हो गए, ये दो हो गए, यहाँ पर दो तीन हो गए, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो तीन तीन चर्चे ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपका ये मानिए कि ये मेनली 10 डेज में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट आपका यही है, जो आप लोग परेशान भी हो रहे होंगे इसी में परेशान हो रहे होंगे, तो ये सबसे पहले पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे खंड बा में, जो कि पूरी की पूरी पॉलिटी है, संविधान है। तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इतिहास और संविधान निर्मात्री जो सभा है उसको देखना है। भारतीय संविधान प्रस्तावना, प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, संविधान संशोधन व्यवस्था, और जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन हुए वो धारा 370। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग केंद्र राज्य संबंध में देखेंगे, संघीय सरकार का गठन देखेंगे और उसकी कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति, जो संघीय कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य शक्तियाँ, आपातकालीन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, संघीय जो मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति कार्यावधि और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कार्य महत्व कैसे होता है, संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद हम लोग देखेंगे, तो राज्यसभा और लोकसभा का गठन कैसे होता है, शक्तियाँ, अधिकार और पारस्परिक संबंध कैसे होते हैं। संघीय न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय आएगा, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिकाएं ये कैसे होती हैं। राज्य सरकार का गठन और कार्य विधि में देखेंगे, वो खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि राज्य तो बहुत सारे हैं, वो खास करके यूपी के संदर्भ में देखेंगे। तो राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, शक्तियाँ क्या होती हैं, विशेष अधिकार क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या है, यहाँ सारी चीज़ें देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, कार्य कैसे होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद से संबंध उनका कैसे होता है। राज्य की व्यवस्थापिका में देखेंगे तो आता है विधानमंडल, विधानमंडल का गठन कैसे होता है, कार्य कैसे होती है, शक्तियां क्या हैं, विधानसभा और विधान परिषद के बीच में जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं। राज्य की न्यायपालिका हम लोग देखेंगे तो उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय और उसका क्षेत्र अधिकार क्या है। स्थानीय शासन में हम लोग आज आ जाएंगे तो स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन, जिला अधिकारी के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। जिला न्यायालय में हम लोग आ जाएंगे तो इसका गठन और कार्य देखेंगे, लोक अदालत भी देखेंगे, और फाइनली हम लोग 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है उसका स्वरूप हम लोग देखेंगे। तो भारत में सार्वजनिक जो अभिकरण हैं और आयोग हैं वो भी पढ़ना है, योजना आयोग पढ़ना है, निर्वाचन आयोग देखना है, वित्त आयोग देखना है, संघ लोक सेवा आयोग देखना है, और अंतर्राज्यीय जो परिषद हैं वो देखना है, फिर लोकपाल देखना है, लोका आयुक्त तो देखना है, भारत की जो विदेश नीति है वो पढ़ना है, क्षेत्रीय संगठन कई सारे हैं वो देखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको वो पढ़ने हैं, मानवाधिकार और गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको ये पढ़ने हैं नए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें बहुत ईजी है, इसमें भी आपको क्या किया जाएगा कि 2 से 3 टॉपिक जो है डेली चलेगी, ठीक है, 2 से 3 टॉपिक आपको यहाँ पर डेली चलेगी। अगर लगता है कि भाई कोर्स हम 1 महीने में ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों से यहाँ पर ओपिनियन लिया जाएगा। ओपिनियन में क्या होगा कि भाई इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं ऐसे हैं कि बहुत इजी इजी हैं, ठीक है, बहुत इजी इजी टॉपिक हैं जिनको आप लोग कंटिन्यू बचपन से भी, बचपन से नहीं कह सकते, जब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो उन उन टॉपिक को क्या किया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा, बाकी जो जो टॉपिक टफ होंगे, आपको प्रॉब्लम होती होगी, उनको फटाफट तैयार करा के आपको क्या करा दिया जाएगा, पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। तो दो दो तीन तीन टॉपिक आपको डेली मिलेंगे, तो फटाफट जो है आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको एक वीडियो पहले से ही दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9415-9459-50, ठीक है, यहाँ पर मैसेज करना है और क्लास को ज्वाइन करना है। ये जो क्लासेस होगी वो बिल्कुल पेड ग्रुप है और उसकी जो प्राइस होगी ₹500 जो कि बहुत ही मिनिमल है, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए। और आज से ही बिल्कुल आप लोगों को वीडियो जो है मिलना, अभी दोपहर को, शाम को 2-3 वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।